हरे कृष्णा राधे राधे। आइए जानते हैं 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार को जन्मे बच्चे का नाम, राशि, नक्षत्र, तिथि, योग, पक्ष, राशिफल, गंडमूल दोष है या नहीं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म 7 अगस्त को सुबह 12 बजे से सुबह 1:43 के बीच हुआ है तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा रेवती नक्षत्र, चौथा चरण, राशि होगी मीन, नाम का पहला अक्षर जी, पाया होगा स्वर्ण। अगर आपके बच्चे का जन्म 7 अगस्त को सुबह 1:44 से सुबह 7:33 के बीच हुआ है तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा अश्विनी नक्षत्र, पहला चरण, राशि होगी मेष, नाम का पहला अक्षर चू, पाया होगा स्वर्ण। अगर आपके बच्चे का जन्म 7 अगस्त को सुबह 7:34 से दोपहर 1:24 के बीच हुआ है तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा अश्विनी नक्षत्र, दूसरा चरण, राशि होगी मेष, नाम का पहला अक्षर चे, पाया होगा स्वर्ण। अगर आपके बच्चे का जन्म 7 अगस्त को दोपहर 1:25 से शाम को 7:19 के बीच हुआ है तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा अश्विनी नक्षत्र, तीसरा चरण, राशि होगी मेष, नाम का पहला अक्षर चो, पाया होगा स्वर्ण। अगर आपके बच्चे का जन्म 7 अगस्त को शाम को 7:20 से 8 अगस्त की सुबह 1:16 के बीच हुआ है तो बच्चे का जन्म नक्षत्र होगा अश्विनी नक्षत्र, चौथा चरण, राशि होगी मेष, नाम का पहला अक्षर ला, पाया होगा स्वर्ण। 7 अगस्त की सुबह 6:17 से 8 अगस्त की सुबह 1:16 तक गंडमूल दोष है। इन अवधि में पैदा होने वाले बच्चों में गंडमूल दोष होगा, पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष, तिथि रहेगी सप्तमी, 8 अगस्त की सुबह 4:14 तक उसके उपरांत अष्टमी लग रही है, योग रहेगा शूल, शाम को 6:17 तक उसके उपरांत गंड। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।